Hey guys, good morning. तो आज अशर जा रहा है अपनी पहली आउटिंग पे. मैं रेडी हो गया और साथ ही साथ अशर भी रेडी हो गया. ये देखो, ये इसने पहन ली अपनी क्यूट सी वनजी. ओ उदास क्यों हो रहे हो अशर, उदास क्यों हो रहे हो. इसका बैग रेडी करते हैं. वैसे हम जा रहे हैं हॉस्पिटल. अशर का चेकअप है, प्रेरणा का भी चेकअप है, रूटीन चेकअप है और कोई दिक्कत नहीं है. साथ ही साथ हम इसका आज बर्थ सर्टिफिकेट भी लेंगे. देखते हैं आज गाड़ी में कैसे रिस्पॉन्स देता है, क्या एक्टिविटीज होती है इसकी, कितना खुश होता है, कितना नाराज होता है, देखते हैं. ये देख रहे हो, ये ना इसकी एक स्पेशल कंघी है. ऐसा कहते हैं बेबी को जब इस कंघी से कोम ते हैं ना तो बड़ा खुश होते हैं. देखते हैं अशर खुश होता है नहीं होता. कह रहा मुझे कोम मत करो. इसकी एक घंटे की आउटिंग के लिए इतना बड़ा बैग, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ट्रैवलिंग में ना बहुत दिक्कत आने वाली है. इसके अंदर इसके डायपर्स रखे हैं, दो तीन कपड़े रखे हैं एक्स्ट्रा, वाइप्स रखे हैं, बहुत सारी चीजें रखी हैं भाई. कोई दिक्कत ना हो जाए तो सब कुछ लेके जाना पड़ रहा है. जब इसका एक घंटे के लिए इतना बड़ा बैग है, जब हम 10-15 दिन के लिए ट्रैवलिंग पे जाएंगे तो कितना बड़ा बैग होगा. इसके लिए अपने कपड़े कम करने पड़ेंगे. ये आवाजें आ रही हैं आपको पीछे, ये दोनों खेल रहे हैं बड़े मजे से, पपी बॉस और हर्ष बॉस. अरे हर्ष इंट्रो तो करने दे. ले कर ले. हाँ ये कर लो पहले. ये आजकल यही हो रहा है, पपी बॉस रो पड़ते हैं जैसे हम वीडियो शूट करने लगते हैं, वैसे रो पड़ते हैं. अभी अभी हॉस्पिटल. अरे यार हर्ष रिकॉर्ड करने दे. यानी मेरे गानों से चुप होता है ना? नहीं नहीं प्लीज चुप. तो गाइस मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज हॉस्पिटल जाने के लिए. हॉस्पिटल के नाम से वैसे कोई एक्साइटेड नहीं होता, पर मैं हूँ क्योंकि हमें इसका बर्थ सर्टिफिकेट लेना है. बर्थ सर्टिफिकेट आएगा तभी तो इसका पासपोर्ट बनेगा. यार कितना मजा आएगा ना, इसका छोटा सा पासपोर्ट बनेगा और पासपोर्ट बनेगा तभी तो हम ट्रिप पे जाएंगे, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. अब रोले रोले हो गया मेरा. इधर हमें बात करनी है. क्या बात करनी है मुझसे? एक बात बता, आज कपड़े किसके ज्यादा सुंदर है, मेरे या इसके? ऑब्वियसली पपी बॉस के. यार आज मैंने इतनी मेहनत से इतने सुंदर सुंदर कपड़े, ऐसे लग रहा है तूने जो कपड़े पहने ना ग्रीस जा रहा है कहीं. ग्रीस ग्रीस तो सोच ले, पासपोर्ट आने के बाद क्या पता हम ग्रीस जाए, मैं और अशर. सिर्फ तुम दोनों? हाँ. वैसे आप लोग बताओ हमारा फर्स्ट ट्रिप कौन सा होना चाहिए अशर के साथ? एज ऑलवेज हर शुरू हो गया गाड़ी साफ करनी. इसकी गाड़ी कभी साफ होती ही नहीं है. ये सर सो चुके हैं, इनको पता है हम कहाँ लेके जा रहे हैं. सर आपको पता है हम कहाँ जा रहे हैं? आपके आज इंजेक्शन लगेगा. इंजेक्शन? मजाक था मजाक. हम आपको लेके जा रहे हैं उनके पास जिन्होंने आपको पैदा किया है, डॉक्टर. डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं. चलो भाई पपी बॉस शोरी हैं. तो पता लग जाता है वीडियो बन रही है इसलिए रोता है. ये देख पता लग गया. यार ये तो बिल्कुल ये वीडियो में नहीं आना चाहता हर्ष. आई थिंक हमें इसे वीडियोस में नहीं लेना चाहिए. मुझे लेना है यार तो. हाँ मैं तेरे को ले रही हूँ. ये ले, ये तेरे को भी नहीं लेने देगा. फाइनली ये शांत हो गया. यार ये सबके सामने इतना इनोसेंट बनता है, कभी नहीं रोता, कुछ नहीं करता. हमारे सामने पूरे टाइम रोता रहा, रह 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 रह. यार ये हमारी सबके सामने बेइज्जती कराता है, बता है. इसको लगता है कि ये मतलब सबके सामने तो शरीफ. ये देख यार हद हो गई यार. अभी शांत था ना? अभी एकदम शांत था. तो फाइनली अशर का ना बर्थ सर्टिफिकेट बन गया है और मेरे पास है इसका बर्थ सर्टिफिकेट. अब बर्थ सर्टिफिकेट बन गया है तो इसका आधार के लिए अप्लाई करते हैं और पासपोर्ट भी अप्लाई करते हैं. पासपोर्ट मिलेगा तभी तो हम कहीं ना कहीं बाहर इसको ट्रैवल पे लेके जा सकेंगे. मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट है. अभी ना थोड़ा क्रैंकी हो रहा था और इसके कुछ कपड़े रहते थे तो हम वापस घर आए हैं. प्रेरणा गई है इसके कपड़े वगैरह लेने के लिए, तो मैंने कहा चलो आपको तब तक बर्थ सर्टिफिकेट दिखाते हैं. इसके बाद हमारा प्लान ये है इसको ना कहीं ना नेचर वॉक कराएंगे, पार्क के अंदर वॉक कराएंगे, इसको ट्रीज दिखाएंगे. मेरे को खुशी यार इसका बड़ी जल्दी ना बर्थ सर्टिफिकेट बन गया. चलो आगे और इसके डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और फिर एक लंबी ट्रैवल जर्नी पे चलते हैं. यार तो इसका बर्थ सर्टिफिकेट ले लिया है और आज निकले इसकी फर्स्ट आउटिंग के लिए. आप गेस कर सकते हो हम कहां जा रहे हैं इसकी फर्स्ट आउटिंग के लिए? बाय द वे एक ऐसी जगह लेके जा रहे हैं जो हमने स्पेशली इसके लिए बड़ा सोच समझ के ली थी. एनीवे जब जाएंगे तब देख लेंगे. आपको इतना बता दूं कि मैं पीछे बैठ गई हूँ, अशर मेरे साथ बैठने वाला है, हर्ष आज गाड़ी चलाएगा आगे बैठ के. बढ़िया है, अपना रॉयल तरीके से पीछे बैठेंगे आज, बड़ा मजा आएगा. मतलब मैं बोर होऊंगा आज भाई? तो अब ऐसे ही होता है, अब मुझे अपने बेबी के साथ यहाँ पे थोड़ी स्पेस चाहिए ना बैठने के लिए. चलते हैं निकलते हैं. और बाय द वे मैं बताना चाहती हूँ आज टॉप सब्सक्राइबर्स ऑफ द वीक जो कि हैं सोहन, आहित, आशिमा, अनिल, मंसूर, संगीता और श्रद्धा. और अगर आप भी बनना चाहते हो टॉप सब्सक्राइबर ऑफ नेक्स्ट वीक, आपको सिर्फ इतना बताना कि आपको पार्क्स ज्यादा पसंद है या वाटर पार्क. चलो चलते हैं निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तर्फ. बीच में कुछ खिला देना, चाय जरूर पिला देना हर. अशर बाबू जी सोई जा रहे हैं. भाई आप आउटिंग पे आए हो, उठो ना, उठो तो सही. पीछे कंफर्ट बहुत है ना वैसे? बहुत यार, पूरी तीन तीन सीट्स मिल गई हैं हम दोनों को. बाबू जी आप आउटिंग के लिए आए हो, पपी बॉस उठ जाओ. ये इसकी आउटिंग हो रही है, हमारी आउटिंग हो रही है? मुझे तो लग रहा है हमारी आउटिंग हो रही है. और प्रेरणा मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, इसको आज स्ट्रॉलर पे भी घुमाएंगे ना. ऑब्वियसली यार, पहले काम करते हैं, चाय पीते हैं, ब्रेक लेते हैं और फिर इसको घुमाते हैं इसकी स्ट्रॉलर पे. हमारा खाने का टाइम हुआ और इसका क्या टाइम हुआ, डायपर चेंज का टाइम. यार अब इसको चेंज भी करना है, तैयार करना है. पहुंच ही गए हम, बस आई थिंक 15 मिनट्स दूर है हमारी डेस्टिनेशन. सही है, तू पीछे बैठा कर, गुड, आई एम हैप्पी. पूरा सामान आजकल हमारी गाड़ी में सिर्फ इनका बाबूजी का ही बिखरा रहता है. इसको ना बिल्कुल मजा नहीं आता अपने कपड़े वपड़े चेंज कराने में. और इसको ऐसे ना बिल्कुल कैमरा पे रिकॉर्ड मत करना, ये बड़ा होके ना तेरे को बहुत सुनाएगा क्या कर रहे हो.
हो? तो इसको नंगा क्यों कर रही है? तो और कैसे चेंज करते हैं हर्ष? तो हर्ष जा रहे हैं हमारे लिए मैगी और चाय लेने, बढ़िया कॉम्बिनेशन है। हमारा ऑर्डर आने से पहले हर्ष कर रहे हैं डैड ड्यूटीज। ओ भाई सही बर्प करा दिया तूने इसे। इसको बर्प कराना बहुत जरूरी है यार, चाहे ट्रैवल हो चाहे कुछ भी हो। क्या देख रहा है? पता मैंने क्या सोचा है? क्या सोचा भाई? पता है इसको ना छोटे छोटे ट्रिप्स कराते रहो, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के, ताकि ये एक्लेमेटाइज हो जाए और फिर बड़े ट्रिप के लिए रेडी हो जाए। हाँ जी अशर जी, डर गए? अशर जी हम आए हैं बाहर आपको आउटिंग पे लेके, बड़े ध्यान से मेरे को देख रहा है, बाहर की दुनिया देख रहा है। मैं और अशर भाई एंजॉय कर रहे हैं, गाड़ी में रिलैक्स कर रहे हैं, और हर्ष सर गए हैं बाहर हमारी मैगी कॉफी लेने। क्या देख रहे हो? आपको चाय नहीं मिलेगी? अभी चाय पीने में बहुत टाइम है, अभी आपको बड़े होना है, बड़े हो गए उसके बाद चाय पीने को मिलेगी। अच्छा आप भी पियोगे चाय? आपको भी पीनी है चाय? अब थोड़ी सी तो वेट करनी पड़ेगी, अभी आप बहुत लिटिल लो, जब आप थोड़े से बिग हो जाओगे फिर हम आपको चाय पिलाएंगे, कॉफी पिलाएंगे, सब कुछ पिलाएंगे। तो भाई जा रहे हैं ऑर्डर लेने के लिए, प्रेरणा के लिए चाय, सोच रहा हूँ मेरा भी सर दर्द करे अपने लिए भी एक चाय ले लूँ, बाकी देखते हैं और क्या क्या मिलेगा। और यहाँ पे हमारा सामान आ गया भाई, बंदा हमेशा फोन पे होता है, देख रहे हो आप अशर, पापा इज ऑलवेज बिजी ऑन फोन। लो जी खाना खाओ। वाओ काफी ज्यादा जबरदस्त चीजें लेके आए हो आप, काश अंदर बैठ के हम तीनों खा पाते। अभी तो एक एक करके खाएंगे, या तो आप खा लो मैं पकड़ती हूँ अशर को, या मैं खा लेती हूँ आप पकड़ो अशर को। कोई नहीं तू खा ले, पहले आप। आजकल मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम ना गाड़ी के अंदर ही बैठ के खाना पड़ता है, बाहर तो जा नहीं पाते। अभी ये बहुत छोटा है, देखो रू रू रू, जब तक मेरे पास रहता है एकदम शांत रहता है। मेरे पास आते ही रू 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 रू। बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं। मुझे भी दे दे यार, ठंडा हो जाए। तू अभी अशर को संभाल, पहले मैं अपना खाना फिनिश करूंगी। वो संभल गया, कह रहा है नहीं खाना खा लो, साथ साथ नहीं खा सकते। बहुत यम्मी है यार, मजा आ रहा है। कैसा लग रहा है हर्ष? आसान लग रहा है यार? मेरे को पता है बड़ी टेंशन हो रही है, पहली आउटिंग पे आए हैं और ये इतना रू 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 रू, ये तो एक घंटे की ड्राइव थी बस। खुश रहा करना, तभी तो हम भी घूमेंगे, खुश रहेंगे। शेर पुत्र मेरे पास वापस आ चुके हैं, एंड ये देखो शेर पुत्र दे डैडी मैगी एंजॉय कर दे हुए। भाई हमें भी पूछ लो यार, मैगी वैसे इसका खाना नहीं है? क्यों अभी से इसका कौन सा खाना हो गया भाई, 6 महीने बाद बच्चे सॉलिड्स शुरू करते हैं। यार इसको सबसे पहले चीज ना मैगी देंगे। तू सारे पुठे काम ही सिखाई साढ़े शेर पुत्र नू। नहीं यार मैं बता रहा हूँ, मेरे सबसे पहले ना बचपन में मैगी खाई थी, मम्मी बताती है उस टाइम 1 रुपए की मैगी आती थी और साथ में स्केचपेन भी फ्री आता था। बात तो तू सही कह रहे हैं। चल यार अब इसको लेके चले इसकी डेस्टिनेशन। मैगी तो खत्म होने भाई, अशर की पहली आउटिंग और बाहर ओले बरसने शुरू हो गए। इंद्र देवता प्रसन्न हो रहे हैं, कह रहे हैं अशर आया है आज तो मैं बरसूंगा। अरे यार बहुत बढ़िया मौसम हो गया। अशर पाऊजी बहुत मजा आने वाला है जहाँ हम आपको लेके जा रहे हैं, चलो चले। चल यार गाड़ी चला, अपने फोन को छोड़ दे आजकल, ये फोन में देखना क्या देख रहा था? बच्चों के कपड़े देखता रहता है यार। चल अशर तेरे लिए नए कपड़े आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लिया है, काफी ज्यादा थक भी गए थे, अशर सो चुका है। तो गाइस रस्ते में ना नर्सरी दिखी, तो मेरे को ना एक रैंडम थॉट आया, अभी 2-3 दिन में ना अशर का बर्थडे है, फर्स्ट मंथ बर्थडे, मैंने सोचा कि इसके हर बर्थडे पे ना एक प्लांट हम ग्रो करेंगे और इसको भी अच्छी सीख मिलेगी, हमें एनवायरमेंट के लिए कुछ करना चाहिए। बहुत ही प्यारी नर्सरी है, चलते हैं और एक बहुत ही प्यारा सा प्लांट लेके आते हैं, इसके नाम का अशर विल प्लांट अ लॉट ऑफ ट्रीज नाउ। अशर बेटे सीख ले। तो अशर के नाम का पहला प्लांट ले लिया, एग्लोनिमा। बहुत ही सुंदर नर्सरी है, मजा आ गया यार। आई जस्ट होप कि मेरी तरह अशर को भी प्लांट्स का शौक हो, कितना अच्छा लग रहा है यार यहाँ आके। जल्दी चलते हैं, मेरे को लग रहा है यहाँ पे तूफान आ जाएगा। थोड़ा सा हादसा हो गया, मेरे पैर से चप्पल उतर गई और मिट्टी हो गई है और चप्पल टूट चुकी है। अब तो तू ये भी नहीं कह सकता कि अच्छी चप्पल लिया कर। थैंक्स यार हर्ष, तू एक सेवियर है, तूने फिर से मेरी चप्पल जुड़वा के मेरे पे बहुत बड़ा एहसान किया है। भाई पर तेरे को चलना क्यों नहीं आता प्रेरणा? यार मेरे पैर टेढ़े हैं थोड़े से, क्या करूं? दिमाग और पैर दोनों टेढ़ा है। अशर अभी भी वेट कर रहा है, कहाँ लेके जा रहे हैं इसे बता दे। ब्रो हम बस पहुँच गए हैं, आपको जहाँ लेके जाना था वहाँ उसके बहुत करीब है, मेरी चप्पल ना टूटी होती तो हम और जल्दी पहुँच जाते। आपने सबने गेस कर ही लिया होगा अभी तक वैसे। तो फाइनली हर्ष हम इसे कहाँ लेके आए हैं? इसको हम इसका घर दिखाने लेके आए हैं। आए इसके बाल देख, कितना हीरो लग रहा है। कह रहे सुबह घर से निकले थे, रात हो गई, तेरे को दिखा कर। इसके पावन चरण पड़ेंगे इस घर में। यार ये तो फुल देख रहे हैं आंखें खोल के, मुझे लगा सो रहा है। भाई ये देख रहा है और बता रहा है मेरा कमरा कौन सा है, जल्दी बताओ। तो जैसा हम छोड़ के गए थे उससे भी बुरी कंडीशन में अभी ये। अबे इसको बनवाना शुरू कर यार, ये आ गया ना ये बनवाएगा। तो आज आ गए फाइनली अशर को लेके उसके न्यू हाउस में, पूरा ड्रीम प्रोजेक्ट होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। बनवाएंगे इसको घर को बहुत ही मजेदार तरीके से, इसकी नर्सरी में ना क्यूट क्यूट चीजें लगवाएंगे। मैं पता क्या सोच रहा हूँ, इसकी यही ड्यूटी लगवा देते हैं, अभी इसमें कुछ करना तो है नहीं, यहाँ बैठ के रखवाली करेगा। हाँ बनवाइयो अपने हिसाब से बनवाइयो, ठीक है? अशर रेडी है? देख कैसे घूर घूर के देख रहा तुझे, कह रहे हाँ रेडी हूँ, मुझे छोड़ के जाओ तुम यहाँ पे फिर बताऊंगा तुम्हें। कौन सा कमरा चाहिए भाई? पहले फ्लोर तो बनवाए यहाँ पे, मैं मजाक नहीं कर रही, पर बनवाना कब शुरू करना है? जल्दी।
अभी तो भूतिया बंगला लग रहा है। इतनी मुश्किल से चप्पल जुड़वाई है फिर टूट जाएगी। भाई देख रहा है बड़े ध्यान से, अच्छा लग रहा है इसको यहाँ का एटमॉस्फेयर। यहीं खेलना है तूने पता है, यहीं तूने भागना है कूदना है फुटबॉल खेलनी है। हाँ देख ले इस पेड़ पे चढ़ना है। मैं इसे फुटबॉलर नहीं स्विमर बनाऊंगी। ठीक है क्या बनेगा? स्विमर। कह रहा बॉक्सर बनूंगा, बताऊं मैं तुम्हें अभी। बात तो मुक्के बना लेते हैं ना। देख अभी भी मुक्का बनाया हुआ है। तो लास्ट टाइम यहाँ आए थे एक अलग वाइब थी, इस बार आए एकदम अलग वाइब है। इस बार हम आए अशर के साथ। सच में अब हमारा विजन अलग हो गया है, घर बनवाना है, जल्दी से बनवाना स्टार्ट करना है। अभी चलते हैं इसको पार्क में ट्रॉलर पे घुमाते हैं, देखते हैं इसको यहाँ की वाइब कैसी लगती है, पसंद आता है नहीं आता, कैसा रिस्पॉन्स देता है। अभी तक तो बड़ा चिल है, काम डाउन है, अच्छा ही लगेगा ऑब्वियसली, इसको क्या ही समझ आएगा। मोर दिखाते हैं इसको। मोर ये दिख तो रहा है, इधर दिखाइयो, तेरे सर पे मोर के पंख उगे हुए हैं वैसे। और फाइनली निकलने वाला है पहली बार अशर का स्ट्रॉलर। चलो भाई पहली राइड कराते हैं इनकी। पक्का टिक जाएगा ना ये? ऑब्वियसली यार, लग नहीं रहा जितना कंफर्टेबल है ना स्ट्रॉलर में। शेर पुत्र खोलो आज अशर का स्ट्रॉलर। ये क्या, एक सेकंड एक क्लिक में खुल गया? यही तो स्टाइल है स्ट्रॉलर का यार, तो बड़ा ही कमाल का स्ट्रॉलर है। बिठवाओ, आओ जी लेटाओ भाई, अभी इनकी बैठने की उम्र कहाँ है। कंफर्टेबल। अब इसकी सारी लैच सिस्टम वगैरह लगा दे। आई थिंक सिर्फ आगे वाला बंद करता हूँ। ठीक है, कंफर्टेबल रहना चाहिए अगला। भाई तो स्माइल कर रहा है, पूरा रेड हो गया है। हाय यार ये तो सच में स्माइल कर रहा है और सो भी रहा है। ये हमारे घर का पार्क, घर तो हम बना नहीं रहे पर पार्क इतना मजेदार है कि यहीं पे अशर को वॉक के लिए लेके आना मुझे सही लगा। ओ भाई ये तो देख रहा है पूरा नेचर वेचर। आओ आपको ट्रीज दिखाएं, प्लांट्स दिखाएं। ला 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 ला। पापा और अशर घूम रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है भाई, बड़ा मजा आ रहा है यार। उसको भी बहुत मजा आ रहा है। बाय अशर की फर्स्ट ट्रॉलर वॉक, प्रेरणा भी करवा रही है। मुझे डर लग रहा है एक्चुअली ना, गड्ढों गुड्ढों पे चलाने में ऐसे लग रहा है। तू मेरे पे क्यों क्रैश कर रही है? तू सीधा चल रहा है यार, तू आगे जा। इसको प्लांट से बता कौन से क्या है। अशर ये जो ये वाला प्लांट है ना, ये वाला बचपन का प्लांट है। अच्छा ये खुशबू देता है बहुत तगड़ी, वैसे मुझे इसका नाम याद नहीं है पर ये व्हाइट कलर के फूल बड़े खुशबू देते हैं, तेरे को भी खुशबू देंगे। इसको झूले वूले भी झुला दे, अभी उसके लिए बहुत टाइम है। अभी टीला क्यों छुड़वा रही है, अपनी एक्सरसाइज तो भी करवा रही है। सही है ना, इसके बहाने मेरी भी वॉक हो रही है। ये तो सो गया पता है। अब हम अशर को एक स्पेशली ऐसी जगह लेके जा रहे हैं जहाँ पे इसको इसके फ्रेंड्स मिलेंगे। मुझे सबसे अच्छा यही लगता है, ऐसे पूरा लॉक हो जाता है एकदम स्टाइलिश तरीके से। चलो आओ आपको आपके फ्रेंड से मिलाए। ये तो फुल जाग रहा है यार, गाड़ी में बैठते सो जाता है, स्ट्रॉलर में आते ही जाग जाता है। इसको हमेशा स्ट्रॉलर में ही रखना चाहिए। क्या फील आ रही है यार, खेलता रहे हमारे साथ। वो रहे इसके फ्रेंड्स, रस्ते पे ही दिख गए यार। क्वैक क्वैक नहीं करते फिर? आज वैसे भी बारिश हुई है ना तो हमेशा बाहर रहते हैं। डांस करते हैं, गाना गाते हैं। डांस करते हैं, गाना गाते हैं। अशर को हेलो कह दो। अबे तो सो गया फिर से, डर तो नहीं रहा है मोर से? उड़ा 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 भाई, ये तो आंखें ही नहीं खोल रहा। ब्रो आंखें खोल ले आंखें। नहीं खोलेंगे, चल चले यार। हर्ष क्या वाइब है यार यहाँ की। अशर इज इन लव विद दिस प्लेस, कह रहे तभी मैं सो रहा हूँ, मैं मन की आंखों से देख रहा हूँ। घर बनवाते हैं यार जल्दी, मुझे लालच आ रहा है। पापा मुझे बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे पापा, ये तो बहुत ही सुंदर सोसाइटी है, मुझे यहीं पे रहना है, मुझे घर नहीं जाना। पापा प्लीज यहीं पे रुकते हैं ना, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह है। यहाँ पे ऐसे लग रहा है मैं शिमला में आ गया हूँ, पेड़ हिल रहे हैं, मोर नाच रहे हैं। वो तो सो रहे हैं, वो तो कुछ कह ही नहीं रहा, ये मेरे मन की आत्मा कह रही है। हर हमें यहाँ पे जल्दी से बनवाना स्टार्ट करना चाहिए यार। अशर बहुत ही आराम से सो चुका है, एक्टिव स्लीप में है। आई थिंक आज इसने बहुत इंजॉय किया, बहुत खेला, फाइनली गुड नाइट रेस्ट ले रहा है अभी और हम घर जा रहे हैं। हैप्पी अशर।